हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग के सामग्री लेके आए हैं, जिसके आपके तीन विषय दिए हुए हैं, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। एक पुस्तक में तीन विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत। आपके लिए आज हम विषय हिंदी लेके आए हैं। विषय हिंदी की जो आपकी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग के सामग्री है, उसके संबंधित विषय हिंदी लेके आए हैं, जिसमें आपके तीन विषय हैं। तीन विषय में आपको कौन सा विषय बताएंगे हम, विषय हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत ये बताएंगे। हमने अंग्रेजी की वीडियो आपके बना के डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में। और ये जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री है, ये कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, लर्निंग गेप सामग्री, इसे N-1 भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, N-1, यानी कि आपको कक्षा छः के बच्चों को, यानी कि एक क्लास पीछे, यानी कक्षा पाँच की जो पढ़ाई है उसे पूर्ण करना है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि COVID-19 के कारण विगत सत्र जो 2020 से निरंतर हमारे प्रदेश में विद्यालय बंद हैं, विद्यालय बंद थे। इस कारण से क्या किया, जो पिछली पढ़ाई है उसको पूरी कराने के लिए ये जो लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री, एक बुक बनाई गई। यह बुक किसके द्वारा बनाई गई, यह बुक राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और किस कक्षा के बच्चों के लिए, कक्षा छठवीं, और सत्र कौन सा आ जाएगा आपका 2022-23, खंड अ हिंदी। तो हम क्या देखेंगे, खंड हिंदी देखेंगे। और किस सत्र का है, 2022-23। इसके पहले का जो सत्र था 2020-21, उसमें आपको यही सिलेबस है, बट इसमें चेंजेस करके दिया है, कुछ गतिविधियां, कुछ पार्ट के आंसर क्वेश्चन बदल के दे दिया है। इसलिए आपको 2020 और 21 की नहीं देखना है, आपको कौन सी देखना है, 2022-23 की बुक को देखना है। उसमें जो दिया है उसके आधार पे आपको अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो दिया गया है, सुनना और सुनाना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सुनना और सुनाना। यह लर्निंग आउटकम H मीन्स हिंदी 501 यानी किसका कोड है, ये पाँचवीं का कोड है, 501, और H मीन्स होता है हिंदी। सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य साहित्य, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटना आदि, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी स्वतंत्र टिप्पणी देते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। फिर दिया है शिक्षक, मेंटर, गतिविधि एवं निर्देश। इसमें जो दिया है शिक्षक और जो मेंटर हैं, जो बच्चों को शिक्षक और मेंटर पढ़ाने वाले हैं, उनके निर्देश और गतिविधि दी है, उसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे आगे आ रहा है हमारे पास अकर्मक या सकर्मक क्रिया, स्तंभ अ, स्तंभ ब। रेखा पढ़ती है, रेखा पढ़ती है जो क्या है आपकी, सक। दिनेश गाता है, उसने खाया और वह जाता है। तो यहाँ पे देखिए, रेखा पढ़ती है, रेखा यहाँ पे आपका क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, कर्ता दिया है, और पढ़ती क्रिया दिया है। यहाँ पे कर्ता और क्रिया है, इसलिए ये कौन सी क्रिया, कौन से इसमें वाक्य होगा, ये सकर्मक या अकर्मक, अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अब इसको हमको सकर्मक बनाना है, तो क्या करेंगे, रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक इसमें क्या आ गया, पुस्तक इसमें ये आपका कर्म आ गया, यानी कि क्या कर्म कर रही है, रेखा पढ़ने का कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये सकर्मक हुआ। दिनेश गाता है, ये अकर्मक क्रिया है इसमें, और दिनेश गीत गाता है, ये कौन सा वाक्य बन गया, सकर्मक। उसने खाया, ये अकर्मक वाक्य है, और उसने आम खाया, ये क्या हो गया, सकर्मक वाक्य। वह जाता है, अकर्मक वाक्य है, और वह सागर जाता है, वह दिल्ली जाता है, वह भोपाल जाता है, ये क्या हो गया, सकर्मक वाक्य। तो अकर्मक और सकर्मक में अंतर ये है कि जहाँ कर्म आ जाता है, जहाँ पे क्या आ जाता है, कर्म आ जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, सकर्मक बन जाता है। जैसे रेखा पढ़ती है, ये अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, क्या पढ़ती है ये नहीं बताया इसमें, इसलिए अकर्मक है। और यहाँ पे उसने क्या कहा, रेखा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया, कर्म आ गया, इसलिए
क्या हो गया, सकर्मक हो गया। यह दिनेश गाता है या कर्मक वाक्य था, क्योंकि इसमें क्या गाता है ये नहीं, और इसमें जैसे गीत गाता है बोले यानी कर्म आ गया, इसलिए ये क्या बन गया, सकर्मक। तो आप सकर्मक और अकर्मक समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ऊपर स्तंभ अ में पढ़ना, गाना, खाना और जाना क्रिया आई है। स्तंभ अ में क्रिया के साथ क्या पढ़ता है, क्या खाता है आदि का पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पे गाता है, क्या गाता है हमें पता है क्या, उसने खाया, क्या खाया पता नहीं, वह जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं। ये किसमें, स्तंभ अ में। और यहीं पे देखिए स्तंभ ब में इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इन सब प्रश्नों के उत्तर में आए जैसे पुस्तक, गीत, आम आदि क्या है, कर्म है। अब जानिए, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको किसी ने पूछा कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे गाता बिना कर्म के आ रहा है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जैसे सीता रोती है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, देखते हैं आगे। चलिए आगे दिया हुआ है, जब क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, यानी जब क्रिया कर्म के साथ आती है तब वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या कोई भी पूछ सकता है सकर्मक क्रिया क्या है, तो आप उत्तर बता सकते हैं, जब क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है तब वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण दिया है, सारिका चित्र देखती है, यहाँ पे चित्र क्या हो गया, कर्म हो गया, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य बन गया, सकर्मक। इसमें सारिका चित्र देखती है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको हमने यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बताए। सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। सबसे पहले अकर्मक क्रिया के बारे में मालूम हो जाना चाहिए, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है। जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है तो अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जब क्रिया कर्म के साथ वाक्य में आती है या प्रयुक्त होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब चलिए पाठ्य सामग्री के अंतर्गत चलते हैं। पाठ्य सामग्री में क्या दिया है, पाठ सामग्री रम्मो और कल्लो। अब रम्मो और कल्लो क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, रधिया हमारे घर की सफाई करती थी, कभी कभी उसकी दोनों लड़कियां उसके साथ आ जाती। एक दिन सफाई करने रम्मो और कल्लो आई, मुझे उनमें अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ। उसने सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यों ही व्यतीत होगा, क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती। मैंने रम्मो से पूछा, रम्मो बेटी बिटिया, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। नहीं बाबूजी, किसने कहा, रम्मो ने कहा। नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में कोई नहीं पढ़ता। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है। तो रम्मो क्या कहती, होता है, पर क्या करें बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगेंगी तो माँ का काम कौन करेगा। क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूँ। कर लीजिए बाबूजी, रम्मो ने कहा। तो ये जो आपको एक गद्यांश दिया था पाठ्य सामग्री, ये आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा पाँचवीं में दिया गया पाठ है, रम्मो और कल्लो से लिया गया है। उसमें एक रध्या नाम की महिला रहती है जो बाबूजी के यहाँ क्या कर रहे हैं, साफ सफाई करने जाती है। उसकी दो लड़कियाँ रहती हैं, रम्मो और कल्लो। जब रधिया काम पे नहीं जाती, सफाई करने नहीं जा रही थी, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, रम्मो और कल्लो वहाँ पे सफाई करने आई। जब वो रम्मो और कल्लो को किसने देखा, बाबूजी ने देखा, तो उनमें अपनी पुत्री, जो उनकी बाबूजी की पुत्रियाँ रेखा और रमा का भास हुआ। उन्हें अपनी पुत्री रेखा और रमा जैसे लगी। कौन, रम्मो और कल्लो। सोचने लगा कि क्या इनका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। किसका जीवन, रम्मो और कल्लो का जीवन कैसा व्यतीत हो जाएगा, काम कर करके बिना पढ़ाई लिखाई किए। क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती, मैंने रम्मो से पूछा। किसने पूछा, बाबूजी ने पूछा। बाबूजी कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। रम्मो ने, बिटिया तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो बाबूजी ने
नहीं बाबूजी, किसने कहा? रमो ने किससे कहा? बाबूजी से कहा, हमारे परिवार में कोई पढ़ता नहीं। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है? तो रमो कहती, होता है, पर क्या करें बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगी तो माँ का काम कौन करेगा? क्या मैं तुम्हारी माँ से इस बारे में बात करूँ? किसने कहा? बाबूजी ने कहा। किससे कहा? रमो से कहा। कर लीजिए बाबूजी। किसने कहा? रमो ने। किससे कहा? बाबूजी से। तो इस प्रकार से गद्यांश दिया था, इसके आधार पर आप अभ्यास कार्य हैं उन्हें देख लेते हैं। अभ्यास एक दिया है, क्या दिया है? अकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए। आपको अकर्मक जिसमें कर्म ना हो ऐसे दो वाक्य लिखना है। उदाहरण के लिए दिया रमा जाती है। हाँ, आप कोई भी दो वाक्य बना सकते हैं। हमने यहाँ पर दो वाक्य बना के बताया, राम खाता है। अब क्या खाता है मालूम है क्या? यहाँ कर्म मालूम है क्या? नहीं। सीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है? हमें नहीं मालूम। वह जाता है, वह गाता है, वह तैरता है, वह सोता है, वह रोता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया होती हैं जिनमें कर्म नहीं होता। तो आपको दो उदाहरण, दो वाक्य बनाने को कहा था, हमने दो वाक्य बना के लिखे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर एक हो गया कंप्लीट। यहाँ पर प्रश्न नंबर दो में क्या कहा है? सकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर भूमि साइकिल चलाती है, तो अब यहाँ पर साइकिल क्या हो गई? कर्म हो गई। चलाती क्या हो गई? क्रिया हो गई। और भूमि क्या हो गई? कर्ता हो गया। अब हमने दो वाक्य बनाने को कहा, क्या कहा? इसमें सकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए। तो एक वाक्य लिखे मोहन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे कर्म क्या हो गया? स्कूल कर्म हो गया। और क्रिया क्या हो गई? जाता। राजा पानी पीता है, तो पानी क्या हो गया? कर्म हो गया। और पीता क्या हो गए? क्रिया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ सकर्मक क्रिया वाले दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। तो ये रेखांकित करके आपको हमने बता दिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है इसमें प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित वाक्य को सकर्मक क्रिया वाले वाक्य बदलिए। ये वाक्य दिए हैं, ये वाक्य आपको दिख रहे होंगे, जैसे उसने देखा, मोहन पढ़ता है, वह खाती। ये कैसे वाक्य है? अकर्मक वाक्य हैं। इन वाक्यों को हमको किस में बदलना है? सकर्मक वाक्य में बदलना है। तो जैसे उसने देखा, तो उसने चित्र देखा, चित्र क्या हो गया? कर्म आ गया इसमें, इसलिए क्या हो गया? सकर्मक वाक्य हो गया। मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो हमने यहाँ बताया मोहन कहानी पढ़ता है, तो यहाँ कहानी क्या हो गया? कर्म हो गया। वह खाती है, क्या खाती है? वह आम खाती है, तो आम क्या हो गया इसमें? कर्म। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आपको सकर्मक वाक्य, ये अकर्मक वाक्य थे, ये कौन से वाक्य थे? अकर्मक, और ये कौन से हो गए? सकर्मक वाक्य बना के आपको बताया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अभ्यास नंबर दो। अभ्यास नंबर दो में क्या दिया है उसे देख लेते हैं हम। अभ्यास नंबर दो में दिया उक्त गद्यांश पढ़कर, उक्त गद्यांश अभी हमने जो पढ़ के बताया आपको, उस गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, बाबूजी ने यह सोचा, यह क्यों सोचा कि क्या रमो और कल्लो का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? तो आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न है, बाबूजी ने यह क्यों सोचा कि रमो और कल्लो का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि बाबूजी उनमें अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ, क्योंकि बाबूजी को उनकी अपनी पुत्रियों रेखा और रमा का भास हुआ, यानी उन्हें जो उनकी पुत्रियां हैं रमा और रेखा जैसे लगी। कौन? रमो और कल्लो। वह सोचने लगे कि रमो और कल्लो का सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। कैसे? काम करते करते विद्यालय, बिना विद्यालय गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है। क्या रमो के विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? हम रमो के विद्यालय ना, उत्तर क्या हो जाएगा इसका देखिए। हम रमो के विद्यालय ना जा पाने के तर्क से सहमत नहीं हैं, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने एवं विद्यालय जाने का समानता का अधिकार है, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों। ये रमो और कल्लो क्या थी? गरीब परिवार की थी। उनके परिवार से कोई भी सदस्य कोई भी लड़कियाँ विद्यालय नहीं गई, इसलिए हम इस तर्क से सहमत नहीं है। यानी रमो और कल्लो को स्कूल विद्यालय जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालय जाएंगी, पढ़ेंगी, विद्यालय जाने का समानता का अधिकार है उन्हें। तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन देखिए। क्या रमो और कल्लो की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होंगी? कारण सहित लिखिए। उत्तर आ जाएगा हमारा हुई होंगी का, हाँ। क्या का उत्तर आया? हाँ,
रम्मो और कल्लो की माँ भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रम्मो और कल्लो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ के काम काज में भी सहयोग करती थी और दोनों ने पढ़ाई में अपना नाम रोशन किया। तो प्रश्न था, क्या रम्मो और कल्लो की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होंगी? उत्तर हो जाएगा हाँ, रम्मो और कल्लो की माँ भी उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रम्मो और कल्लो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ के काम काज में भी सहयोग करती थी और दोनों ने पढ़ाई में अपना नाम रोशन किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 अभ्यास 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो अभ्यास हुआ, अभ्यास 1 अभ्यास 2, और आपको क्या बताया हमने, सुनना सुनाना यानी कि जो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं बताए, और रम्मो और कल्लो संबंधित एक गद्यांश पढ़ के बताए, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। अब इसका मूल्यांकन होगा। अब मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन में क्या दिया, देखिए इसमें मूल्यांकन 1 है, अपने आसपास में घटित किसी देखी सुनी पढ़ी घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी बालक बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की हो। तो ये आपको क्या करना है, अपने आसपास देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा, ऐसी कोई घटना होगी कि जो बालक बालिका, बालक या बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की, तो आपको इस पे एक क्या लिखना है, एक घटना लिखना है, जो घटना घटी होगी वो आपके चाहे आसपास हो या आपने सुना हो देखा हो। तो मैंने यहाँ पे एक घटना बनाया हूँ, मेरे आधार पे है। क्या है, मेरे गांव में एक नरेश नाम का लड़का रहता था जो एक गरीब परिवार का लड़का था। वे 3 भाई बहन थे। नरेश पढ़ाई करना चाहता था लेकिन उसके पिताजी बहुत गरीब थे। नरेश पढ़ाई करने के लिए सुबह उठकर ब्रेड बेचता एवं शाम के समय गुपचुप की दुकान लगाता था। इस प्रकार उसने मेहनत करके अपनी शिक्षा पूरी की और अपने भाई बहन और अपने पिता का नाम को रोशन किया। इस प्रकार से आपका मूल्यांकन 1 का प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही आपकी जो हिंदी की अभ्यास 1, 2 और मूल्यांकन कार्य कंप्लीट हुई, और पाठ रम्मो और कल्लो वाला पाठ यहाँ कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको लर्निंग आउटकम हिंदी 501 सुनना सुनाना ये कंप्लीट होता है। यदि ये हमने जो आपको हिंदी के आउट लर्निंग आउटकम से संबंधित 501 सुनना सुनाना और रम्मक और कल्लो नामक गद्यांश समझा, इस अध्यांश समझ जाएँ, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।